नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के लिए यूएन में कोई फूल मालाएं लेकर नहीं बैठा हुआ है। पाकिस्तान को इस मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ही कही है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की अब पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली कम से कम टाई टाई फिस हो गई है। 370 हटने के बाद इमोशनल अत्याचार से लेकर उसने प्रोपेगेंडा वॉर करने की कोशिश की, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को बताने की कोशिश की कि क्या करें क्या ना करें और टू नेशन थ्योरी को कैसे फ्लोट किया जाए। लेकिन अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरी तरह से हिट विकेट हो चुका है। और इसको लेकर और भी डेवलपमेंट्स है। सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, एक तो सबसे पहले यूएन से भी खबर आई है, आज एक स्टोरी आई है कि किस तरह से अब वहां पर भी साफ हो चला है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान जितना मर्जी नाच गा ले लेकिन ये डिप्लोमेटिकली ही सॉर्ट आउट होगा, बायलैटरल इशू है। क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से साफ कर दिया है, हालांकि जयशंकर ने भी चाइना में जिस तरह से मुलाकात करी है विदेश मंत्री ने, उसमें भी चाइना ने कहा है कि ये आपका, जयशंकर ने चाइना जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे साफ कर दिया है कि ये हमारा आपसी मामला है। दूसरी तरफ जहाँ तक कि यूएन की बात है तो यूएन ने भी यही कहा है, दिल्ली और इस्लामाबाद का बायलैटरल इशू है और इसको आपस में ही सुलटाना होगा। लगातार एक के बाद एक जो है पाकिस्तान को जो है लगातार इंटरनेशनल लेवल पर जो है बैकफुट पर एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। जिस तरह उसका साथ तो किसी ने दिया नहीं, लेकिन अब यूएन की तरफ से अगर ये बात आ गई है तो ये जो यूएनएससी में बार बार उछालने की बात थी और शाह महमूद कुरैशी का अब ये बयान आना, तो लगभग टाटा फिस माना जाए डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ट्रंप का भी जिस तरह से अभी हाल ही में बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि मध्यस्थता की बात थी तो वो भी अब जो है बिल्कुल इच्छुक नहीं है इस पर। फिर चाइना का बोलना, फिर रशिया लगातार, फिर यूएन का, यूएनएससी का, तो कहीं ना कहीं जो है चाइना वो पाकिस्तान है वो बैकफुट पर खड़ा हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या कदम उठाए। तो बहुत असमंजस में है स्थिति, असमंजस में है। और इसको लेकर ही साथ में बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रही है, वहां पर पूरी तरह से शांति है। लगातार ये जो फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको भी सरकार और एमएचए की तरफ से कहा गया है कि आप नजर रखें। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट भी बंद करने की बात आई है। हम पुरुषोत्तम के पास चलते। पुरुषोत्तम, फटाफट पहले ये बताइए, ये जो खबर आ रही है शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया है उसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं? पॉलिटिकल रिएक्शंस अभी तो ज़्यादा नहीं आए हैं, मिले जुले आ रहे हैं कि पहले ही भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे अब ये उनको भी समझ में आने लगा है कि यूएनएससी में या कहीं भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है। सीधी तौर पर बात यही है। नकवी ने भी कहा है कि वो जहाँ भी जाना चाहे जाएं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है उनको सुनने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन विवादास्पद बयान तो आते रहते हैं कांग्रेस की तरफ से ऐसे आए। इस खबर पे तो खैर हमारी नज़र बनी ही रहेगी। एक क्विक कमेंट हम शालिनी से एक बार फिर से लेते हैं। शालिनी, अजीत डोभाल इस वक्त कहाँ है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसे कि डोभाल लगातार पिछले हफ्ते सोमवार को गए थे श्रीनगर और तब से लगातार श्रीनगर में बने हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। एरियल सर्वे भी किया था कल उन्होंने श्रीनगर में, साथ में अनंतनाग भी गए थे और कल वो कुछ देर के लिए दिल्ली वापस आए थे और दोबारा से जो है उन्होंने कैंप अपना जो है वो श्रीनगर में बनाया हुआ है। लगातार नजर रखे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे। 15 अगस्त तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाइटेंड सिक्योरिटी रहने वाली है क्योंकि बहुत इनपुट्स, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे इंटरसेप्शंस हुई हैं फोन लाइंस पर और पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता है, ये एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि कई सारे लगभग 5 से 6 आतंकवादी है जो कि जिन्होंने घुसपैठ की है भारत में, तो ऐसे में जो है हर चीज पर सिक्योरिटी व्यवस्था पर नजर रखी हुई है डोभाल ने और शायद यही वजह है कि लगातार एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और वो लगातार श्रीनगर में जो है उन्होंने कैंप अपना जो है बनाया हुआ है, वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उनकी कड़ी पैनी नजर है सिक्योरिटी व्यवस्था पर। बिल्कुल, और इस पर तो हमारी भी पैनी नजर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आज की सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर कौन सी है वो जानने के लिए चलते हैं अमिता के पास। अमिता, क्या करा रही हैं आप? कल तो आपने एक मगरमच्छ को चढ़वा दिया था लोगों के लिए, कितनी मुश्किलें हो रही हैं, बाढ़ प्रभावित आधा हिंदुस्तान है इस वक्त, आज की सबसे ज़्यादा बोलती हुई तस्वीर कौन सी? जी बिल्कुल, आपने लोगों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे मगरमच्छ जो है वो छत पर अपनी जान बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में छत के ऊपर जाकर बैठ गया। ये देखें कितना बेहतरीन विजुअल ये है,
लोग छत पर अपनी जान बचाने के लिए कैसे जाएं, ये कर्नाटक की तस्वीर है जहाँ पर मगरमच्छ चढ़ गया छत के ऊपर और सोचिए कितनी मुश्किलें लोगों को हुई होगी। ये कल से तस्वीर आई है और बहुत भयावह तस्वीर है अमिता, इसके अलावा क्या तस्वीर आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प तस्वीर है आपके पास आज? इसके अलावा एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, एक छोटा बच्चा है वो बाइक सिक्योरिटी अलार्म को बजाता है और अपनी ही धुन में डांस करता है, ये देखिए ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ट्विटर पर। कितना इंटरेस्टिंग डांस इसने किया है, बहुत फनी भी लग रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कोई योयो हनी सिंह या फिर बादशाह खान का गाना नहीं है, आपको बता दें ये जो गाना है ये उसके दिमाग में धुन चल रही है, ये एक सिक्योरिटी अलार्म पर ये बच्चा फैंटास्टिक डांस कर रहा है। इसको बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया है, रीट्वीट भी किया है मित्र, राइट? बहुत से लोग इसे ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, कल से ये लोगों ने लाखों की संख्या में ट्वीट किया है। ये कहाँ की तस्वीर है, ये अभी पुष्टि हो पाई? ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है तो कितनी इंटरेस्टिंग, हम बचपन के दिनों की बात करते हैं, जगजीत सिंह की वो गजल भी याद आती है, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, कहीं ना कहीं ये खूबसूरती दिखती है कि लोग आज की जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में भी जहाँ पर हम इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं, सुबह से ही जब हमारा दिन शुरू होता है कुछ ना कुछ फाइट शुरू हो जाती है, इसके बावजूद इस तरह का जब विजुअल आता है वो हमें बचपन के दिन में ले चलता है और हमें बताता है कि कितना सुकून होता था उस वक्त। सुकून से है अधीराज आप? आज की खबर मैम सही बोल रहे हैं आप मैम, एयर पोल्यूशन अभी इतना ज़्यादा हो रखा है दिल्ली में, इफ़ यू रिमेंबर स्पेशली लास्ट ईयर जब स्मॉग आया था, 5 बजे सुबह स्मॉग शुरू हो जाता है, तुम्हारी नाक बंद है ये पता लग रहा है। एग्जैक्टली, और मैं देहरादून से आता हूँ मैम जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, एंड व्हेन आई गो बैक होम प्रॉपर पता चलता है कि एयर में डिफरेंस क्या है, इवन द एयर यू ब्रीद। एंड अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, द क्राइसिस इन 2019 राइट नाउ इज़ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आप स्टडीज़ भी देखें, 1998 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे एवरेज एज ऑफ लंग कैंसर वाज 28 to 35, और अब 28 to 31 हो गया है, तो आप देख रहे हैं इतने सालों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम है। अब नॉन स्मोकर्स को, पहले ये माना जाता था बहुत अरसे तक कि स्मोकर्स हैं उनको लंग कैंसर होते हैं, लेकिन पीछे भी कुछ खबरें इस तरह की आई थी और अब तो बाकायदा स्टडी भी आई। एग्जैक्टली मैम, अब देखा जाए तो नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स में कोई अंतर नहीं है व्हेन इट कम्स टू लंग कैंसर। नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स के बीच में 5.5 का रेशियो बन गया है, तो अगर आप नॉन स्मोकर भी हो, आप स्मोकर भी हो, लंग कैंसर आपका तभी भी हो ही रहा है, तो इसके क्या पता चलता है दैट यू नो द क्राइसिस वी आर फेसिंग टुडे इज द एनवायरमेंटल क्राइसिस विच शुड बी गिवन नंबर वन प्रायोरिटी एंड नॉट एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, जैसे मैं नॉन स्मोकर हूँ, दिन की 10 से 15 सिगरेट्स तो आप पी ही लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस हवा में सांस ले लें तो। हम शिव्या के पास चलते हैं कि आज डाउन साउथ कुछ इंटरेस्टिंग बयान, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। शिव्या, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आए हैं बिकॉज कल हमने बात की थी एंड रजनीकांत का पूरा इशू डिस्कस किया था, अब उस पर कांग्रेस का जवाब आना तो बनता ही था। और बेसिकली रजनीकांत ने, अपने दर्शकों को थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट कर दें, रजनीकांत ने ये कहा था कि मोदी शाह का जो फैसला है 370 को लेकर वो बहुत ही अच्छा फैसला है, सोच समझ कर लिया गया फैसला है और वो ऐसा लगता है कि अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी है। वो एकदम सही कहा आपने, ये पूरी चर्चा उठी थी जब एक बुक लॉन्च में ये पूरा इवेंट, ये पूरी स्टेटमेंट सामने आई थी। बट अब कांग्रेस का ये कहना है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को कृष्ण और अर्जुन कैसे बता सकते हैं रजनीकांत, उनको अपनी महाभारत की जो फैक्ट्स है वो क्लियर करने चाहिए, क्योंकि अमित शाह और मोदी, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि इन दोनों ने जब लोगों के पूरे राइट्स ले लिए 370 को एब्रोगेट करके, तो आप कैसे उस जोड़ी को कृष्ण और अर्जुन से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी बात पर और कितनी चर्चा आगे बढ़ती जाएगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी चर्चा के सामने एक पॉलिटिकल एंगल भी है जिस पर पूरी बात हो रही है, और रजनीकांत का इस बात पर ऐसा कमेंट करना भी एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी जल्द लॉन्च करेंगी ऐसा उन्होंने, ऐसे संकेत उन्होंने दिया था। शिव्या, मुझे तो ये लग रहा है कि इसके ऊपर कमबैक पॉइंट बीजेपी का ना हो कि कांग्रेस पहले जाकर गीता पढ़ ले, क्योंकि गीता ज्ञान में लिखा हुआ है कर्म कर और फल की चिंता ना कर। इतने 70 साल तक बार बार जो ठीकरा कांग्रेस के ऊपर बीजेपी फोड़ती है कि आपने कोई काम नहीं किया और आप चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए, मुझे लगता है बहुत जल्दी कमबैक आने वाला संबित पात्र का। मुझे तो इस पर ये डर है कि रिलीजियस कुछ उस पर मोड़ ना ले लिया जाए, क्योंकि अब महाभारत की बात हुई है
तो इस पे रिलीजियस एंगल से भी कितने कमेंट्स आ सकते हैं, ये ना हो कि पूरी स्टोरी का ताल्लुक ही पूरा बेस ही बदल जाए और ये पूरी स्टोरी एक रिलीजियस एंगल में मुड़ जाए। बिल्कुल, अभी तक बहुत लगभग 2 महीने तक हेडलेस चिकन की तरह कांग्रेस थी, अब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई हैं। ऐसे में कांग्रेस भले ही मोदी शाह की जोड़ी पर बहुत ज़्यादा वार कर रही हो, लेकिन अब इसको लेकर भी बहुत कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। शिवसेना ने जिस तरह से सोनिया गांधी को एक बार फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाया है, इसको लेकर कल ही बहुत सारे बयान आ रहे थे कि इट्स अ कंप्लीट लैक ऑफ आइडिया कांग्रेस के अंदर, लेकिन अब इसको लेकर शिवसेना ने भी कमेंट कर दिया है। आज का दिन बहुत अहम इसलिए भी होने वाला है कि धारा 370 को हटाए जाने को लेकर, खत्म किए जाने को लेकर, वहां पर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती समेत उमर अब्दुल्ला और जो करीब 400 लीडर्स हैं उनकी हाउस अरेस्ट को लेकर, और साथ ही साथ जो पाबंदियां लगाई हैं इसको लेकर तहसीन पूनावाला की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आज है, उसको लेकर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, और साथ ही साथ अयोध्या का जो पूरा का पूरा विवाद है राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होने जा रही है। इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।